Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss about star delta starter. देखो पिछले वाले एपिसोड में ड्यूअल स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हमने लर्न किया था. ड्यूअल स्टार्टर स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करने के लिए नहीं था, सिर्फ ऑन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और मोटर को प्रोटेक्शन परफॉर्म करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर हमने यूज़ किया था. फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार्टिंग करंट एडजस्ट करता था बाय रिड्यूसिंग द अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई एट स्टार्टिंग. एंड वैसे ही स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी अप्लाइड वोल्टेज हम रिड्यूस करते थे स्टेटर रेजिस्टेंस लगाकर, मतलब रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता था और उस ड्रॉप की मदद से जो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर था वो वोल्टेज कम सप्लाई कर रहा था स्टेटर को और स्टार्टिंग करंट एडजस्ट होता था. अभी स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी हमें रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करना है, लेकिन स्टार डेल्टा मैनर से, मतलब ये जो स्टेटर है तो स्टेटर को फर्स्ट स्टार में कनेक्ट करना है और स्टार में अगर हम स्टेटर को कनेक्ट करेंगे तो देखो स्टार कनेक्शन में हमें पता है इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज VL इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज. ओके, मतलब अगर ईच फेज हमने कंसिडर किया VPH, मतलब हर एक फेज को, स्टेटर के हर एक फेज को कितना वोल्टेज जाएगा, VL बाय रूट थ्री, मतलब लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट थ्री. तो रिड्यूस वोल्टेज हम स्टेटर के टर्मिनल्स को पहले देंगे, RYB तीनों फेजेस को रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, दैट इज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट थ्री. तो रिड्यूस वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे तो करंट भी रिड्यूस होगा, विच इज इक्वल टू ISC बाय रूट थ्री, मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट और स्टार्टिंग करंट हम बोलते हैं, क्योंकि स्टार्ट जब होता है आपका इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट होती है तो रोटर पहले ब्लॉक ही रहता है, मतलब रोटर रोटेट नहीं होता तो एज अ वो ब्लॉक ही एक्ट करता है. तो ब्लॉक रोटर में जो करंट फ्लो होता है स्टार्टिंग करंट वो एक शॉर्ट सर्किट करंट ही रहता है. तो अगर वोल्टेज हम कम अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो भी कम अप्लाई होगा, मतलब ISC बाय रूट थ्री इतना शॉर्ट सर्किट करंट स्टेटर में आएगा. और अगर आप यही डेल्टा कनेक्शन लगाते, मतलब डायरेक्टली आप डेल्टा पे आपकी मोटर स्टार्ट करते इंडक्शन मोटर, तो वहाँ लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज रहता है. तो हर एक मोटर के हर एक फेज को पूरा का पूरा लाइन वोल्टेज अप्लाई होगा और लाइन वोल्टेज अगर अप्लाई होगा तो बहुत ही ज़्यादा हमारा शॉर्ट सर्किट करंट ब्लॉक रोटर में से फ्लो होगा. तो टू अवॉइड दिस कंडीशन फर्स्ट मोटर इज कनेक्टेड इन स्टार एंड देन इन डेल्टा. तो ये कंसेप्ट है स्टार डेल्टा स्टार्टर की. तो देखो ये सर्किट है स्टार डेल्टा स्टार्टर का. स्टार्टर एक इजेंशियली इट इज अ टू वे स्विच, ये एक टू वे स्विच है. स्टार डेल्टा स्टार्टर मतलब एक टू वे स्विच हमने लगाए, ये कॉन्टैक्टर भी हो सकता है, कॉन्टैक्टर की मदद से, मतलब एज अ एक कॉन्टैक्टर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर एक्ट कर सकता है. अगर आपने मोटर के छः टर्मिनल्स अगर बाहर निकाले हैं टर्मिनल बॉक्स में और वो कनेक्ट किए हैं कॉन्टैक्टर को या तो फिर एक टू वे स्विच को, तो टू वे स्विच एज अ स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ एक्ट करेगा. मतलब स्टार्टिंग पोजीशन जब रहेगी तब आप स्टार्ट जो करेंगे आपकी इंडक्शन मोटर, तो वहाँ आपका स्विच आप डालेंगे स्टार में, मतलब स्टार में आप लगाएंगे. तो स्टार कनेक्शन अगर इस साइड में हो रहे, मतलब तीनों फेजेस RYB तीनों फेजेस, मतलब ये जो तीनों टर्मिनल्स है देखो R2 R1, B2 B1, Y2 Y1, तो देखो RYB ऐसे, ये जो तीनों फेज आपको दिखाई दे रही है RYB, तो देखो ये R फेज है. R2 टर्मिनल ऑफ R फेज इज कनेक्टेड टू R, तो R1 टर्मिनल यहाँ से आया है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ फॉर्म करेगा. ये स्विच जब क्लोज होगा तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म होगा बाय कंबाइनिंग द टर्मिनल्स R1, Y1 एंड B1 और R2, Y2, B2, ये जो तीनों टर्मिनल्स है ये सप्लाई को कनेक्ट है, थ्री फेज AC सप्लाई को. और R1, Y1 और B1 ये तीनों टर्मिनल न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म करेंगे अगर ये स्विच स्टार्ट पोजीशन में आपका पहले जाता है, मतलब स्टार कनेक्शन वहाँ परफॉर्म हो रहा है. देखो ठीक है, तो अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ रख रहे हैं, मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से अगर आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर एक कॉन्टैक्टर रहता है, टू वे स्विच इसमें रहता है. अगर एक वे में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर को कनेक्ट किया स्टार्ट पोजीशन में, तो स्टार्ट पोजीशन में कनेक्ट करने के बाद स्टार में आपकी इंडक्शन मोटर आएगी, मतलब तीनों फेज एक न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म करेगा और बाकी के जो तीन टर्मिनल्स है वो
डायरेक्टली सप्लाई को आएंगे, ठीक है। मतलब देखो, अगर ये आपका टर्मिनल बॉक्स है तो टर्मिनल बॉक्स पर स्टार डेल्टा स्टार्टर, अगर आपको कनेक्ट करना है स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को, तो सिक्स के सिक्स टर्मिनल्स टर्मिनल बॉक्स में आने चाहिए। तो देखो, अगर ये छः के छः टर्मिनल्स यहाँ आए और ये तीन टर्मिनल्स न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है आपका न्यूट्रल पॉइंट R1 Y1 V1, तो यहाँ से हम सप्लाई देंगे। थ्री फेज एसी सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड होगा R2 Y2 V2 टर्मिनल से, और R1 V1 और Y1 ये तीनों टर्मिनल्स यहाँ न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म करेंगे N। तो ये टर्मिनल बॉक्स पे परफॉर्म होगा अगर आपने ये चेंज ओवर स्विच स्टार्ट पोजिशन पे पहले रखा तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका स्विच स्टार्ट पोजीशन पे जाता है तो रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई होगा, क्योंकि स्टार कनेक्शन स्टार्टिंग में फॉर्म हो रहा है। तो स्टार कनेक्शन में मोटर के हर एक फेस को रिड्यूस वोल्टेज जाता है, विच इज़ लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। तो रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई होता है मोटर के स्टेटर टर्मिनल्स को, तो इसकी स्टेटर टर्मिनल्स को अगर रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो इसकी मदद से ये शॉर्ट सर्किट करंट आपका रिड्यूस होता है। इट अल्सो रिड्यूसेस टू IC बाय √3। मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट आपका डेल्टा में आ रहा था तो उसको डिवाइडेड बाय √3, इतना हमारा कम हो रहा है स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट अगर हमारा कम हो रहा है तो हमें स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए ही ये स्टार्टर यूज़ करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और जैसे ही आफ्टर सम टाइम आपकी मोटर स्पीड पकड़ लेंगी, मतलब पहले रोटर का स्पीड जीरो पोजीशन पे रहता है जब आप स्टार्ट करते हो, तो इसीलिए आप ये स्विच स्टार्ट पोजीशन में रख रहे हैं, चेंज ओवर स्विच। लेकिन जैसे ही आपकी मोटर रन रन करेगी, 70 to 80% का वो स्पीड अचीव कर लेंगी, तो आफ्टर अचीविंग दैट पर्टिकुलर स्पीड आपको ये जो स्विच है चेंज ओवर स्विच, उसकी पोजीशन रन पोजीशन पर चेंज करनी है। तो रन पोजीशन पर अगर आपने ये स्विच यहाँ का यहाँ डाला, मतलब पहले स्टार्ट पोजीशन में था और बाद में रन पोजीशन में अगर आपने डाला, तो देखो ये स्विच यहाँ कनेक्ट होगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखो R2 R1, तो ये R1 स्विच यहाँ कनेक्ट होगा बी फेस को। देखो ये R1 जो स्विच है ये डायरेक्टली बी फेस को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा अगर आपको फॉर्म करना है तो आर टर्मिनल बी टर्मिनल को कनेक्ट रहता है और वाई टर्मिनल को, आर वाई बी, ऐसा डेल्टा फॉर्म होता है, बराबर है। आर फेस, वाई फेस, बी फेस। तो देखो ये आर टर्मिनल R1 फेस से, मतलब R1 टर्मिनल से ऐसा बी को कनेक्ट हो रहा है यहाँ, देखो। तो ये बी फेस को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बी फेज है, तो बी फेज का टर्मिनल वाई को कनेक्ट होना चाहिए, तो B1 इज कनेक्टेड टू दैट वाई फेज। तो देखो वाई फेज को कनेक्ट हो रहा है, और ये जो वाई का टर्मिनल है, वाई वाई वन टर्मिनल, तो वो आर फेज को कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो ये आर फेज को कनेक्ट हो रहा है। तो देखो जब आपका स्टार्ट पोजीशन में आपकी मोटर रहती है, जब आप चेंज ओवर स्विच स्टार्ट में करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म हो जाता है। और बाद में डेल्टा में जब आप उसे ऑपरेट करते हो, तो डेल्टा में जब वो स्विच चला जाता है चेंज ओवर स्विच, तो एट दैट टाइम क्या होगा, डेल्टा में ऐसी आपकी मोटर कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी मोटर आपका जो स्पीड है 70 to 80% रिक्वायर्ड स्पीड अचीव कर लेंगी, तब आप ये चेंज ओवर स्विच डेल्टा पर करेंगे और ये रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि आपकी मोटर डेल्टा कनेक्शन में चली जाएगी। तो एक बार आपकी मोटर डेल्टा कनेक्शन में चली गई आफ्टर अचीविंग पर्टिकुलर स्पीड, देन फुल सप्लाई वोल्टेज अप्लाई होगा, फुल लाइन वोल्टेज हर एक मोटर के हर एक फेस को अप्लाई होगा। तो वहाँ स्टार्टिंग करंट का खतरा नहीं रहेगा। स्टार्टिंग करंट का खतरा जब आप मोटर स्टार्ट करते हो तभी रहता है, तो वो खतरा फिर टल जाएगा और आपकी जो मोटर है वो आपका रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। आपको फुल सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करना ही है बाद में, आपकी मोटर जब अचीव करती है फुल लोड स्पीड, तो फिर डेल्टा पर वो टर्मिनल्स कांस्टेंट रहेंगे, फिर आपके पूरे ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करें, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए आपको वो स्टार में करने हैं। तो एक बात आपको हमेशा यह ध्यान में रखनी है, टू कैरी आउट द स्टार डेल्टा मेथड ऑफ दिस स्टार्टिंग, ऑल द सिक्स टर्मिनल्स ऑफ द स्टेटर फेजेस मस्ट बी अवेलेबल ऑन द टर्मिनल बॉक्स ऑफ द स्टेटर, ठीक है। टर्मिनल बॉक्स पर छः के छः टर्मिनल्स आपको चाहिए अगर स्टार डेल्टा मेथड यूज करनी है।
तो इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के भी थ्री टाइप्स है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल टाइप स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो देखो मैनुअल टाइप स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, एक कॉन्टैक्टर स्विच रहता है, वो आपको मैनुअली ऑपरेट करना होता है। पहले स्टार में आपको कनेक्ट करनी होती है मोटर बाय ऑपरेटिंग दी चेंज ओवर स्विच इन द कॉन्टैक्टर, और बाद में फिर आपको रनिंग पोजिशन में जब मोटर को लाना है तब वो रन पोजीशन मतलब डेल्टा में मोटर को कनेक्ट करना पड़ेगा बाय ऑपरेटिंग दिस कॉन्टैक्टर स्विच मैन्युअली। तो ये मैन्युअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का ऑपरेशन रहेगा। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या रहेगा, एक पुश बटन रहेगा, थ्री फेजेस मोटर के जो तीनों फेजेस है वो उस पुश बटन को कनेक्ट रहेंगे। जब आप वो पुश बटन आप प्रेस करेंगे मतलब सिर्फ 8 to 10 seconds के लिए, जब आपकी मोटर अचीव कर लेंगी फुल लोड स्पीड तब आपको वो पुश बटन छोड़ देना है। मतलब जब तक आप वो पुश बटन दबाते हो तब तक आपकी मोटर स्टार में रहेंगी, और जब वो पुश बटन निकालेंगे बाहर मतलब छोड़ देंगे तब डेल्टा में चली जाएगी। तो पुश बटन को तीनों के तीनों फेजेस वहाँ कनेक्ट रहेंगे, बड़ा वाला एक पुश बटन रहेगा। तो ये सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ स्टार्टर रहता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो ज़्यादातर अभी यूज़ नहीं होता। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ होता है बहुत सारे इंडस्ट्री में, और ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत पॉपुलर है। तो देखो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होगा, स्टार्टिंग ऑपरेशन कैरीड आउट विथ ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ टाइम डिले रिले ऑपरेटेड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। मतलब क्या होगा, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रहेगा, मतलब कॉन्टैक्टर ही रहेगा लेकिन मैन्युअली आपको वो ऑपरेट नहीं करना होगा, उसमें टाइम रिले कनेक्ट किया होगा। पर्टिकुलर टाइम होने के बाद 8 to 10 seconds का टाइम होने के बाद जब आपकी मोटर अचीव करती है फुल लोड स्पीड, मतलब 70 to 80% ऑफ फुल लोड स्पीड अचीव करती है, तब एट दैट टाइम क्या होगा, डायरेक्टली आपकी जो मोटर है वो चली जाएगी डेल्टा में। ठीक है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग प्रोवाइड की होती है। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इसीलिए प्रोवाइड की होती है कि डायरेक्टली आपकी जो मोटर है, डायरेक्टली आपकी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की मदद से क्या होगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर डायरेक्टली डेल्टा पर नहीं जाएगी। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ सच अ स्टार्टर सो एज टू प्रिवेंट स्टार्टिंग ऑफ मोटर डायरेक्टली विथ डेल्टा कनेक्शन। पहले स्टार में आएगी फिर डेल्टा में, डायरेक्टली वो डेल्टा में कभी नहीं जाएगी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की मदद से। तो देखो सबसे पहले अगर आपने मोटर स्टार में कनेक्ट की, तो स्टार में कनेक्ट करने के बाद आपका करंट आ रहा था शॉर्ट सर्किट करंट बाय √3, बराबर है। और अगर आपने यही मोटर डायरेक्टली डेल्टा में कनेक्ट की तो डायरेक्टली फुल शॉर्ट सर्किट करंट वहाँ अप्लाई होगा, वो रहेगा √3 ISC, बराबर है, √3 ISC, इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट करंट वहाँ रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्विचिंग की आपने तो √3 I करंट फ्लो होगा, और अगर आपने स्टार कनेक्शन परफॉर्म करके स्विचिंग की मोटर की तो फिर ISC/√3 इतना करंट आएगा मोटर में सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसका जो रेशो आएगा मतलब द रेशो ऑफ लाइन करंट विथ स्टार डेल्टा स्टार्टिंग टू लाइन करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग इज इक्वल टू 1/3, ये सॉल्व करके आंसर आता है 1/3। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बाय स्टार डेल्टा स्टार्टिंग लाइन करंट इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ लाइन करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग, 1/3 ऑफ लाइन करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग। ये डायरेक्ट स्विचिंग है ना आपकी, तो ये डायरेक्ट स्विचिंग है। ठीक है, मतलब लाइन करंट आपका रिड्यूस हो रहा है 1/3 ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग अगर आपने ये मोटर स्टार में कनेक्ट की तो स्टार्टिंग में। ठीक है, और स्टार्टिंग टॉर्क का जो रिलेशन होता है तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क TST इज इक्वल टू फुल लोड टॉर्क इन ब्रैकेट शॉर्ट सर्किट करंट बाय फुल लोड करंट ब्रैकेट स्क्वायर इन टू स्लीप एट फुल लोड। तो ये जो रिलेशन है स्टार्टिंग टॉर्क का वो हमें हमें पता है, हमने हर एक स्टार्टर में ये रिलेशन लिया है। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू फुल लोड टॉर्क इन ब्रैकेट, ये जो शॉर्ट सर्किट करंट रहता है तो वो स्टार्टिंग में आपका ISC/√3 था, हमने कैलकुलेट किया था। तो ISC/√3 स्टार्टिंग जब होती है मोटर की बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो ये करंट रहता है शॉर्ट सर्किट करंट बाय √3 डिवाइडेड बाय IF ब्रैकेट स्क्वायर इनटू स्लीप एट फुल लोड। तो देखो ISC/√3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये रूट थ्री मैंने अगर बाहर लिया तो ये 1/3 फुल लोड टॉर्क इन ब्रैकेट ISC/IF² इनटू SF, ऐसा रिलेशन आएगा स्टार्टिंग टॉर्क का
इन केस ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें पता चल रहा है कि जैसे हमारा करंट अगर 1/3 रिड्यूस हो रहा है अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हो, स्टार स्टार्टिंग में वो रखते हो स्टार पोजीशन में, स्टार कनेक्शन में, तो आपका जो करंट है वो 1/3 रिड्यूस होता है, तो 1/3 आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस हो रहा है, इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है। सो बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग टॉर्क एट स्टार्टिंग ऑल्सो रिड्यूसेस 1/3 ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। सो वेन एवर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉट इजेंशियल रिक्वायरमेंट टू मोटर देन एट दैट केस ओनली दिस टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज। अगर स्टार्टिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क का एप्लीकेशन नहीं है तो एट दैट टाइम आप स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर दैट पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका एप्लीकेशन हाई स्टार्टिंग टॉर्क को अचीव करना ही है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये यूज़ करने की कुछ ना कुछ लिमिट है। ये 20 किलोवाट तक हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब 25 HP रेटिंग की अगर बात करें तो 25 HP तक स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिर्फ करंट लिमिट करना यही फंक्शन नहीं है, और एक इसका फंक्शन ये बनता है कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर आपको लाइट लोड पर आपने कनेक्ट किए, लोड ज़्यादा नहीं है थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर, तब आपको क्या करना है, स्टार में वो जो मोटर है वो कनेक्ट करके हम रख सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है, मैनुअल स्टार डेल्टा चेंजओवर स्विच है, तो ये चेंजओवर स्विच आप स्टार में रखेंगे और वो डेल्टा पे मूव नहीं करेंगे अगर लोड बहुत कम है तो। लोड अगर कम है तो आपको स्टार में ही वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर कनेक्ट करनी है, स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फॉर रिड्यूसिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। ठीक है, तो सिर्फ डिसएडवांटेज क्या है स्टार डेल्टा स्टार्टर का कि स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका रिड्यूस हो रहा है 1/3 टाइम्स। तो स्टार्टिंग टॉर्क की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ, अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा ही चाहिए तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ नहीं करना है। जे अगर आपका एप्लीकेशन हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है मोटर के लोड के लिए तो स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज़ कर सकते। सो इट इज़ द कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट स्टार डेल्टा स्टार्टर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू।